वाराणसी जनपद के शिवपुर में स्थित श्रीजी उपवन में रविवार को पत्रकार प्रेस क्लब की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाराणसी जनपद समेत वाराणसी मंडल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, बैठक में वाराणसी के दर्जनों नए पत्रकारों ने आज पत्रकार प्रेस क्लब की सदस्यता भी लिया। बैठक की अध्यक्षता पीपीसी के प्रदेश अध्यक्ष व संस्थापक घनश्याम पाठक किए और बैठक में पत्रकारों की समस्याओं तथा संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान काफी संख्या में पत्रकार एकत्रित हुए थे। बैठक में यह भी चर्चा किया गया 25 दिसंबर को पत्रकार प्रेस क्लब के सभी सदस्य मिर्जापुर स्थित सिद्धनाथ जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर नवीन प्रधान की ये रिपोर्ट। जीवन का रथ चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। मित्रों, पत्रकार वो कड़ी है, पत्रकार वो मजबूती है कि हम लोग किसी के भी अन्याय को धूल धूसरित करने में मिनटों का समय लगने नहीं देते। जब पत्रकार अपने वजूद पर आ जाएगा, अत्याचारियों को यह बता देगा कि तुम नहीं, मेरी कलम में ताकत है, तुम्हारे तलवार में वो ताकत नहीं है कि मेरी कलम को भी काट सकते। मित्रों, कहा गया है जिस समय कलम मेरी समर में लहराएगी, अभूम रंग में हो दिल खोल कर नहाएगी, तो कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मित्रों, हम सबके मार्गदर्शक, क्रांतिकारी तेवर रखने वाले, इस धरती के उस माटी के लाल, मैं सर्वप्रथम उस माँ के चरणों में सरमस्तक करता हूँ जिस माँ के कोख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्रांतिकारी तेवर लेके हम सबके बीच में जन्म लिया है, परम आदरणीय श्री घनश्याम पाठक। आपके नेतृत्व में पत्रकार प्रेस क्लब का वह जन सैलाब क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ अपने समाज का नेतृत्व, अपने पत्रकार भाइयों का नेतृत्व, अपने दुख सुख के संघर्ष का आवाज बुलंद करने वाले हम सब के क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक जी का मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, नेम प्लेट लगाने वाले तमाम ऐसे संगठन गली गली में मिलेगा, चक्की चौराहे पे मिलेगा, हर मोहल्ले में मिलेगा। कोई नेम प्लेट लगाकर राजकुमार नहीं होता है, राजकुमार तो राजकुमार होता है। और अगर कोई राजकुमार के रूप में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक जी। जिस तलवार में धार नहीं वो तलवार किस काम का, मुझे ऐसे तलवार की जरूरत नहीं जिस तलवार में धार न हो।